आप अपने पार्टनर के साथ बैठे हो, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटी छोटी बातें हो जाती हैं, हंसी मजाक में कोई गलतियां ऐसी हो जाती हैं, मुंह से निकल जाती है, मे भी आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है, आपका पार्टनर उसे सीरियस ले सकता है। छोटी छोटी बातें फिर इतनी बढ़ जाती है कि शायद झगड़ा होने की नौबत आ जाती है। और हम लोग फिर करते क्या है, हम अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। पार्टनर अपनी सफाई देता है, आप अपनी सफाई देते हो, लेकिन एक दूसरे की हम बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं तक इस हद तक पहुंच जाती है कि बात हमारी ईगो तक आ जाती है, ईगो हर्ट हो जाता है। और ईगो हर्ट हो जाता है तो इंसान बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, फिर आप भले ही उसे कितनी एक्सप्लेनेशन दे लो, कितनी सफाई दे लो, वो आपकी सुनने को तैयार नहीं रहता। तो मतलब हम अपनी बात को बड़ा रखने के लिए, पार्टनर अपनी बात को बड़ा रखने के लिए, मेरी बात सही है, उसकी बात गलत है, सिर्फ इन चीज़ों में हम लोग करते क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को और वीक बनाते चले जाते हैं। और कभी कभी पार्टनर उस चीज़ को इतना सीरियस भी लेके बैठ जाता है कि हम लोग पैचअप करने को भी तैयार नहीं होते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ऐसे में, तो सिर्फ आपको एक रास्ता चुनना चाहिए, एक चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, वो है साइलेंट। आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर कभी भी दो पार्टनर के बीच में या हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में आपको लग रहा है कि हंसी मजाक में आपने कुछ कह दिया और सामने वाले को बुरा लग गया, तो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, जिद बहस नहीं करनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए, मैं सही आप गलत, आपकी बातें छोटी मेरी बात बड़ी, इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। जैसे ही आपको ये चीज़ रियलाइज हुई कि पार्टनर को ये चीज़ बुरी लगी, उससे हर्ट हुआ, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, तुरंत वहीं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, बस सॉरी बोल दो उसे, बात आगे नहीं बढ़ानी है। तो सिर्फ एक साइलेंट होने की वजह से, आपके चुप रहने की वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप है वो वीक हो रहा है, जो टूट रहा है वो बच जाए। हो सकता है आपके बीच में जो गलत फहमियां भी क्रिएट होने वाली थी, हो सकता है आपके चुप रहने की वजह से, साइलेंट रहने की वजह से वो सारी चीजें बच जाए। हम लोग करते क्या है कि पार्टनर से एक बात गलत मुंह से निकली, हम उसे दो सुनाते हैं, सामने वाले ने दो सुनाया तो हम चार सुनाने को तैयार रहते हैं, एक स्टेप हम आगे फॉलो करते हैं। अगर आप उस जगह बिल्कुल चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, पार्टनर को रियलाइज होती है चीजें, और हो सकता है पार्टनर आपको बहुत इजीली माफ कर दे। जो चीज उसे हर्ट हुई, जो बातें उसे बुरी लगी, फिर वो उसे दरकिनार कर दे, इग्नोर कर दे, और आप पर तरस आ जाइए। मैं कहूँ आपको बहुत ज्यादा एक पोलाइटली ले ले एंड इजीली आपको माफ कर दे। आपका ज्यादा बोलना आपके रिलेशनशिप को खत्म भी कर सकता है, आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। साइलेंट रहकर, चुप रहकर कभी कभी आप उस लड़ाई को बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जीत सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये चीज फॉलो करनी है। एक बार अगर आपके साथ इस तरह की कभी सिचुएशन क्रिएट हो, एक बार ये चीज फॉलो करके देखिएगा, रिजल्ट बताने से ज्यादा आप खुद करोगे तो आपको महसूस होगा। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 100% आपके साथ भी यही हुआ होगा। आई एम श्योर कि आपने भी ये गलत चीजें की होंगी, ये गलत स्टेप उठाए होंगे, लेकिन फिर आपने सही स्टेप को भी फॉलो किया होगा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। वीडियो कैसे भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह का हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, और मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।